परम सत्कार योग सात संगत सारे आए विद्वान सज्जनों, अज असी संत तरन सिंह होरी उन्हां दी याद विच ते संत सरदार नाथ सिंह होरां दे वास्ते कुछ कह रहे हैं। वो कर्म योगी सन, उन्होंने जिहड़ी गल कीती है वह करके विखाई है, और जिहड़ी जिन्नी गल कीती है वह सच्चाई ते कीती है। सरदार नाथ सिंह होरां ने भी आख्या मैं वो गल्लां लिख के दित्तियां ने जिहड़ियां सतगुरू प्रताप सिंह सच्चे पातशाह ने हुक्म दित्ता, मेरे सामने वह साबित होईआं ने। पर असीं बड़ा कुछ कीता है, पर जिन्ना चाहीदा उन्ना साडे कोलों नहीं हो सकदा। सरदार सिंह ने किस तरह आर्काइव जा के समान लिया, की कुछ किया, उसका कारण मैं नहीं दसना चाहता। सरदार सिंह किस तरह सतगुरां के संपर्क में आए, सतगुरु ऐसा बेअंत होंदा, वो कदे गुस्से नहीं होंदा। एक बलवंत सिंह गजराज हैगे सन पटियाले दे, पुराने बंदियां नूं पता होगा, कवि सन, वो ब्रिज भाषा च कविता लिखते सन। उन्होंने एक अपने हाथों की लिखी कविता मेरे को हैगी है, वो हैगी है, दीन भूल जात पैना भूले कबू दीना नाथ, दीन पै दयाल हो के दीना नाथ झूला करें, भूल पर भूल चाहे भूल करे भूल भूल, सेवक की भूलन को स्वामी नित भूला करे, पूत तो कपूत होत चले आए राजकाज, होत जो सपूत देख मात मात तात फूला करें, नाथ को कबूले नाथ अनाथ को कबूले कौन, नाथ को अनाथ नाथ को नाथ तो अनाथ को कबूला करें। तो वो कदे कदे अपने मैं कोशिश की, मैंने उन्हें कोई किताब या कोई चीज़ लभ नहीं सके, जो किसी ने पता हो तो दसे असी उन्होंने, कोशिश करिए भी वो साढ़े मुड़ के उन्होंने गलबात हो सके। लुहारी भी बैठे ने पदम जी, ठीक है, तरन सिंह जी वास्ते सरदार सिंह वास्ते बड़ा कुछ आख्या गया है। मैं इस पासे ज़्यादा नहीं जाना चाहता। मैनू सरदार सिंह उन्होंने सतगुरां दे वक्त तो लग के बाद भी मिलने का मौका मिलया, कुछ सालों तो ब्रिगेडियर साहब भी चंडीगढ़ इन्होंने दर्शन वेले होंदे रहे, उन्हां दा बड़ा ही शौक सी कि मेरे पिछों भी कोई करे। मैं उन्होंने आख्या भी ब्रिगेडियर साहब नूं आख वाखण के करनगे, पता इन्हां नूं सारी गल का, मतलब उन्हां दा शौक ये सी किन्ना हो सकता। वह तो सतगुरु जानता जिन्नी उम्र दित्ती है, उन्होंने अपनी उम्र से बहुत कुछ किया। इस तरह ही समान मिलन से तरन सिंह उन्होंने, मैं जिस तरह की हालत वेखी है ना पहलों, साधु सिंह अमृतसर छपा जाता हूँ सी, मेरा ख्याल है वो क्यों बी अमृतसर जाता सी छपा, किस तरह जाता सी, किस तरह अपन गलों छपा सी, ये उस वेले इन्हों बहुता पता है, थोड़ा थोड़ा मैंने पता इस गल का कि उन्होंने कहड़िया तंगिया होकर वो पहले हिस्से छपाए थे की कुछ किया। और मैनू अफसोस ये है भी मैं उस वेले पता नहीं मेरे ध्यान नहीं गल आती भी क्यों इस तरह मैं अगे नहीं आ सकिया, नहीं तो पहले हिस्से जोड़े सन वो इन्हों तकलीफ ना होती छपा दे, जे साडे वालों कोई गलबात इस तरह हो जाती। ਅੰਦਰ ਕੜਾਏ ਦੇ ਕੁੰਡੇ ਦੋ ਫੜ ਲਈਏ ਨਾ ਤਾਂ ਸਾਰਾ ਕੁਛ ਵਿੱਚ ਹੀ ਆ ਜਾਂਦਾ। ਇੱਕ ਸਾਧੂ ਸਿੰਘ ਸਾਰਿਆਂ ਨਾਲੋਂ ਵੱਡਾ, ਸਾਰਿਆਂ ਨਾਲੋਂ ਛੋਟਾ ਗੁਰਮੁਖ ਸਿੰਘ ਹੈ। ਅਤੇ ਗੁਰਮੁਖ ਸਿੰਘ ਕਾਮਰੇਡ ਟਾਈਪ ਬਣ ਕੇ ਅਤੇ ਇੱਕ ਕੁਛ ਹਿੱਸਾ ਬਹੁਤ ਵੱਡਾ ਹਿੱਸਾ ਜਿਹੜਾ ਪੰਜਵਾਂ ਛੇਵਾਂ ਹਿੱਸਾ ਛਪੇ ਨੇ ਉਹ ਸਾਰੇ ਦੇ ਸਾਰੇ ਇਹਨਾਂ ਗੋਹੇ ਦੇ ਕੋਲ ਸੀ। ਮੈਂ ਕੋਸ਼ਿਸ਼ ਬੜੀ ਕੀਤੀ ਗੱਲ ਬਣੇ ਨਾ, ਜਿਹਨਾਂ ਨੂੰ ਮੈਂ ਭੇਜਾਂ ਉਹ ਆਖਣ ਪਏ ਉਹ ਤਾਂ ਬਿਲਕੁਲ ਨਾ ਨਹੀਂ ਖੁੱਭਣ ਦਿੰਦਾ। ਫਿਰ ਸਤਿਗੁਰਾਂ ਨੇ ਚਰਨਾਂ 'ਚ ਅਰਦਾਸ ਕਰਨੀ ਅਤੇ ਉਹਨਾਂ ਨੂੰ ਵੀ ਆਖਣਾ ਤੁਸੀਂ ਅਰਦਾਸ ਕਰਕੇ ਜਾਓ। ਮੈਨੂੰ ਨਹੀਂ ਪਤਾ ਕਿੰਨੇ ਮਹੀਨੇ ਲੱਗੇ, 6 ਮਹੀਨੇ ਸਾਲ ਕਿੰਨਾ ਚਿਰ ਲੱਗਿਆ, ਹੌਲੀ ਹੌਲੀ ਸਤਿਗੁਰਾਂ ਕਿਰਪਾ ਕੀਤੀ, ਉਹ ਸਣੇ ਕਾਮਰੇਡੀ ਸਾਡੇ ਕੋਲ ਆ ਗਿਆ ਇੱਕ ਬਣ ਕੇ, ਨਾਲੇ ਉਹਨੇ ਉਸ ਗ੍ਰੰਥ ਦੇ ਦਿੱਤਾ। ਇਹ ਬੜਾ ਮੁਸ਼ਕਿਲ ਵਿੱਚੋਂ ਲੰਘ ਕੇ ਇਹ ਕੰਮ ਹੋਇਆ,
उदों तक पहुँचना ग्रंथ साढ़े को आना, फिर होर मुश्किल बन बन गई भी साढ़े को पढ़िया ना जाए। तुम कि उन्होंने लिखित पढ़ो, फोटो आप ही दी फिर एक एक अखर करके जिस तरह लिखा कढ़ी दी कढ़ दें ना माइया, एक एक अखर करके हौली हौली जोड़ जोड़ के असी 15-16 या 20 आदमी सा जिन्होंने बह बह के पता नहीं किन्ने किन्ने घंटे 10-10, 12-12 घंटे बह के बड़ी मुश्किल ना लिख लिख के। गुरमुख सिंह भी साढ़े मदद करता सी, ता वो बड़ी मुश्किल ना सिरे चाढ़ सके। एक बार पहले वही बंगलोर गए सा, 5-6 जने बह के पढ़न लगे, ना ही पढ़ेगा छड़ के तुर गए के फिर इसे पिंड साहब आके शुरू किया। सगुरां कृपा की इतिहास इस तरह की गल है, जी लिखी जाए ना वो बड़ा कुछ बन जाता, मगरों उसने चेता नहीं दिता। ये बहुत सारे बंद ने साड़ी जिन्होंने उस वे मदद की, जिन्होंने लिख के साढ़े लिखे पढ़िया समझिया, उन्होंने सानू नाम भी नहीं याद, उन्होंने सारे का ही धन्यवाद करना साडा काम बनता। जिहड़ा कुछ हुंदा ना ये सतगुरु प्रताप सिंह सच्चे पातशाह के हुक्म अनुसार लिखिया हुंदा सारा, तो तां हो जाता। एक एक मैनू पता नहीं किहड़े हिस्से विच गूढ़ विचार जां इस तरह के कोई शब्द ने उस हैडिंग उहदा, सरदार केहर सिंह होरी राख वाले नाल होर शरीर सन, मैं भी नाल सां घोड़िआं नूं चढ़ जांदिआं सच्चे पातशाह कई वचन किए। फिर सरदार केहर सिंह आखन लगे भाई सच्चे पातशाह जिहड़ा सिंहां दे लिखिया हुंदा जिहड़ा रेख च मेख वजदी है, सच्चे पातशाह ने वह भी लिखिया हुंदा। बड़ी छेती जवाब आउंदा सी, देर नहीं सी लगदी इस गल नूं। तो सतगुरां ने जदों जमीन खरीदी, एक बाबा जैमल सिंह हुंदे सन, उस दीआं अपना गल्लां कर लैंदे सन लाहौर जिले दे टिब्बे दे, उन्होंने आख्या भाई तुसीं जिहड़ी जमीन खरीदन लगे हो ना, जस जी ने जी लिखी सारी गल, ये मैनू गोबिंद जणाउंदा भी तुहाडे सिख जिहड़े ने तुहाडे ते बेशर्द हो जाणगे, तुहाडे ते मुकदमे करनगे, तुहाडे घर 'च लड़ाई पएगी। ते सच्चे पातशाह आख्या जिहड़ा लिखिया हुंदा ना सारा हुंदा ही हुंदा, मैं ते इह करना ही है इहनां वास्ते सारा सिखां वास्ते, मैनू इस गल दा जो होवेगा मैं झल लवांगा। तो मेरा सिर्फ कहण दा मतलब इह है भी जो कुछ लिखिया ना हो रिहा, ते साडी मेरी ते खास करके कोई बात नहीं इस गल दी, जो सगुरां दी जाए उह वरतदी है। मैं ਤੁਹਾਨੂੰ ਸਾਰਿਆਂ ਨੂੰ ਅਰਜ਼ ਬੇਨਤੀ ਕਰਾਂਗਾ, ਜਿਹੜੀ ਜਿਹੜੇ ਤੱਤ ਕਿਸੇ ਨੂੰ ਲੱਭਣ ਉਹਨਾਂ ਦੇ ਸਿਰੇ ਲੱਗਣ ਵਾਸਤੇ, ਜਿਸ ਨਾਲ ਤਲਵਾਰਾਂ ਦੀ ਗੱਲ ਕੀਤੀ, ਅਸੀਂ ਪੂਰੀ ਕੋਸ਼ਿਸ਼ ਕਰਾਂਗੇ ਵੀ ਉੱਥੋਂ ਅਸੀਂ ਉਹਨਾਂ ਨੂੰ ਲੱਭਣ ਦਾ ਯਤਨ ਕਰੀਏ। ਇਸੇ ਤਰ੍ਹਾਂ ਹੀ ਜਿਹੜੇ ਗ੍ਰੰਥ ਸਾਹਿਬ ਛਪੇ ਨੇ, ਪਹਿਲੋਂ ਸਭ ਤੋਂ ਜਿਹੜੇ ਛਾਪੇ ਨੇ ਮੁਨਸ਼ੀ ਗੁਲਾਬ ਸਿੰਘ ਵਾਲਿਆਂ ਦੇ, ਕਿਹਨੇ ਛਪੇ, ਕੀ ਨਾਂ ਹੈ ਉਹਨਾਂ ਦਾ, ਮੁਨਸ਼ੀ ਗੁਲਾਬ ਸਿੰਘ ਹੋਰਾਂ ਵਾਲੇ ਜਿਹੜੇ, ਉਹ ਸਭ ਤੋਂ ਪਹਿਲੇ ਪੱਥਰ ਦੇ ਛਾਪੇ ਜਿਹੜੇ ਛਪੇ ਨੇ ਉੱਥੇ ਲਿਖਿਆ, ਉਹਦਾ ਟਾਈਟਲ ਲੈ ਲਿਆ ਸਾਂ ਉੱਥੋਂ ਇੰਡੀਆ ਹਾਊਸ ਲਾਇਬ੍ਰੇਰੀ 'ਚੋਂ, ਉਹਦੇ 'ਤੇ ਲਿਖਿਆ ਸਤਿਗੁਰੂ ਸਾਹਿਬ ਦੇ ਸਾਹਿਬਾਨ ਦੇ ਹੁਕਮ ਅਨੁਸਾਰ। ਇਸ ਤਰ੍ਹਾਂ ਗੁਰੂ ਹਰਿ ਸਿੰਘ ਦੇ ਵੇਲੇ ਵੀ ਲਿਖਿਆ, ਉਹ ਸਾਲਾਂ ਦਾ ਪਤਾ, ਜਿਹਨੇ ਸਾਲ ਲਿਖੇ ਨਾ ਛਾਪਣ ਜਿਹੜੀ ਛਾਪਣ ਦੇ, ਉਹਨਾਂ ਤੋਂ ਪਤਾ ਲੱਗਦਾ ਕਿ ਗੁਰੂ ਰਾਮ ਸਿੰਘ ਦੇ ਵਕਤ ਦਾ ਅਤੇ ਸਤਿਗੁਰੂ ਹਰਿ ਸਿੰਘ ਦੇ ਵਕਤ ਦਾ, ਇਹ ਸਾਨੂੰ ਉੱਥੇ ਮਿਲ ਗਏ ਨੇ ਟਾਈਟਲ। ਇਸੇ ਤਰ੍ਹਾਂ ਹੀ ਅਸੀਂ ਕੋਸ਼ਿਸ਼ ਕਰਾਂਗੇ ਵੀ ਇਹ ਵੀ ਸਾਨੂੰ ਚੀਜ਼ਾਂ ਪ੍ਰਾਪਤ ਹੋ ਸਕਣ। ਮੈਂ ਤੁਹਾਡਾ ਸਾਰਿਆਂ ਦਾ ਬਹੁਤ ਬਹੁਤ ਧੰਨਵਾਦ ਕਰਦਾ। ਮੈਨੂੰ ਥੋੜ੍ਹੀ ਜਿਹੀ ਧੀਰ ਉਹਨਾਂ 'ਤੇ ਨਾਰਾਜ਼ਗੀ ਹੈ, ਇਹ ਮੇਰੇ 'ਤੇ ਵਰੇ ਨੇ ਬਹੁਤਾ, ਇਹਦੀ ਬਾਰੇ ਸਾਂਭਣ ਜੋਗਾ ਮੈਂ ਨਹੀਂ ਹੈਗਾ। ਮੈਂ ਤੁਹਾਡਾ ਧੰਨਵਾਦ ਕਰਦਾ, ਸਤਿਗੁਰਾਂ ਕਿਰਪਾ ਕੀਤੀ ਹੈ ਅਗਾਂਹ ਤੋਂ ਵੀ ਲੇਖਕ ਜਿਹੜੇ ਨੇ। ਪਰ ਇੱਕ ਗੱਲ ਕਾਲੜਾ ਜੀ ਨੇ 2-3 ਗੱਲਾਂ ਆਖੀਆਂ ਸੀ, ਤਰਨ ਸਿੰਘ ਨੇ ਇਹ ਗੱਲ ਕਰਕੇ ਲਿਖਿਆ, ਇਸ ਤਰ੍ਹਾਂ ਲਿਖਿਆ, ਇਸ ਤਰ੍ਹਾਂ ਲਿਖਿਆ, ਉਹਦੇ 'ਚ ਇੱਕ ਗੱਲ ਰਹਿ ਗਈ ਹੈ ਜਿਹੜੀ ਮੇਰੇ ਵਾਸਤੇ ਇਹਨਾਂ ਨੇ ਛੱਡ ਦਿੱਤੀ ਹੈ, ਉਹ ਇਹ ਸੀ ਵੀ ਸਤਿਗੁਰਾਂ ਨੇ ਜਿਹੜੇ ਹੁਕਮ ਦਿੱਤੇ ਨੇ, ਆਸ਼ੀਰਵਾਦ ਦਿੱਤੇ ਨੇ, ਉਹਨਾਂ ਵਿੱਚ ਇੱਕ ਇਹ ਵੀ ਸੀ ਵੀ ਜਦੋਂ ਲਿਖਣਾ ਹੈ ਨਾ ਉਦੋਂ ਖੁੱਭ ਕੇ ਲਿਖੀ, ਉਹ ਉਹਨਾਂ ਨੇ ਉਹ ਖੁੱਭ ਕੇ ਲਿਖਣ ਵਾਲੀ ਗੱਲ ਕੀਤੀ, ਤਾਂ ਸਾਡੇ ਅੰਦਰ ਉਹ ਖੁੱਭ ਦੀ ਚੀਜ਼ ਸਾਰੀ। ਇੱਕ ਚੀਜ਼ ਜਿਹੜੀ ਮੇਰੇ ਧਿਆਨ ਵਿੱਚ ਆਉਂਦੀ, ਪਿਛਲੀ ਵਾਰ ਵੀ ਮਾਖੀ ਸੀ, ਇਹ ਜੇ ਮੈਨੂੰ ਸਮਝ ਨਹੀਂ ਆਈ ਵੀ ਇਹ ਕਿਤਾਬਾਂ ਛਪ ਗਈਆਂ ਸਾਡੇ ਕੋਲ ਪਈਆਂ ਨੇ, ਇਹਨਾਂ ਨੂੰ ਲੋਕਾਂ ਦੇ ਹੱਥਾਂ 'ਚ ਕਿਸ ਤਰ੍ਹਾਂ ਪਹੁੰਚਾਇਆ ਜਾਵੇ, ਇਹ ਸਾਨੂੰ ਕੋਈ ਪਤਾ ਲੱਗੇ, ਤਾਂ ਕਿ ਜਿਹੜੀ ਕਿਰਤ ਹੋਈ ਹੈ ਉਹਨੂੰ ਉਹ ਤੋਂ ਫਾਇਦਾ ਵੀ, ਕੁਛ ਚੀਜ਼ ਪਈ ਹੈ ਕੋਲ, ਗੁੜ ਪਿਆ, ਖੰਡ ਪਈ, ਸਾਰਾ ਕੁਛ ਪਿਆ, ਉਹ ਖਾਣ ਵਾਲੇ ਦੇ ਹੱਥਾਂ 'ਚ ਪਹੁੰਚੇ, ਕਿਸ ਤਰ੍ਹਾਂ ਪਹੁੰਚੇ, ਇਹ ਤੁਸੀਂ ਸਾਰੇ ਦੱਸੋ, ਸੋਚ ਕੇ ਜਿਸ ਤਰ੍ਹਾਂ ਦੱਸੋਗੇ ਉਹਦੇ ਮੁਤਾਬਕ। ਆਲਮ ਜੀ ਦਾ ਵੀ ਜ਼ਿਕਰ ਕੀਤਾ ਸੀ, ਸਮਰਨ ਨੇ ਕੀਤਾ ਸੀ ਕਿ ਨਹੀਂ ਕੀਤਾ ਸੀ, ਹਾਂ, ਉਹਦੀ ਆਦਤਾਂ ਤੋਂ ਜਾਪਦਾ ਵੀ ਉਸਨੇ ਕੀਤਾ ਹੋਵੇਗਾ। ਚੱਕਰਵਰਤੀ ਜੀ ਵਾਸਤੇ ਵੀ ਅਸੀਂ ਸਮਾਗਮ ਕਰਨ ਦੀ ਕੋਸ਼ਿਸ਼ ਕਰ ਰਹੇ ਹਾਂ,
आलम जी का भी कर रहे हैं कि उन्होंने बहुत कुछ लिखिया अपने धर्म के बारे देहधारी गुरु बारे बड़ा कुछ लिखिया। उस तू बाद भी ज्ञानी मेहर सिंह होरां ने जी लिखी है ना पुरख गुरु वो जरूर पढ़े। उस जगंडा सिंह होरां ने जिहड़ियां चिट्ठियां ने उन्होंने जवाब उन्होंने लाजवाब किया पूरी तरह। चक्रवर्ती जी ने एक पूर्व पछम किताब लिखी है उहदे ते हेठ बूट रहे उत्ते देसी जी धरी है वह भी बड़ी सोहनी पढ़न वाली है। एक राष्ट्र भाषा लिखी है चक्रवर्ती जी ने छोटा जिहा ट्रैक्ट है ये रंग का मैनू वो लभ नहीं सकिया मैं कोशिश की है। तुम जे सज्जन सुनते हो चेतन चेतना लभ के दौ भावें वो भाषा विभाग तो कितों भी लभे राष्ट्र भाषा वह ना है और इस तरह की गल लिखी है पंजाबी बारे। भाई एक बंदा जलंधरों उन्हें लखनऊ जाना सी वो घरों पंजाबी बोलता घरदा ना लड़ता घुड़ता तो वो टांगा लैके तो स्टेशन पर आ गया। जलंधर स्टेशन पर आके उन्हें आख्या यात्रा प्रमाण पत्र दायक महोदय मेरे को लक्ष्मणपुर का यात्रा प्रमाण पत्र प्रदान करें। वो सुने भी की आखन दिया उन्होंने समझ ना आवे। फिर उन्हें पूछा भाई जी तूफान मेल गड्डी है वो कि प्लेटफार्म से आँदी है झंझावत दो पथ गामनी किस अवरुद्ध स्थल पर गति शून्य होगी अरुण अरुण दो स्तंभ वगैरह वो मैं थोड़ी जी गल मैं याद ने इस तरह की गलत लिखी अखीर करद्या करद्या वो गड्डी निकल गई जो घरवाली को गया उन्हें हूँ तू पंजाबी लड़ मेरे नाल आ गए। राष्ट्र भाषा वह नाँ है बहुत स्वाद की बड़ी वधिया लिखी अच्छ छोटी जी है पर बड़ी तस दी गल लिखी हैं। मैं फिर उही गल करा जी गल की लौड़ हो जिस तरह तरन सिंह उन्होंने आख्या मैं कहना वो पता नहीं साढ़े को कि गलती हो गई कि वो रिकॉर्डिंग उन्होंने रह गई साढ़े को गुआच जाए चीज़ा। एक मेरी फोटो सतगुरु प्रताप सिंह सच्चे पातशाह ने लाई जिस वे लंगूठा करके घुलता हूँ हाँ कपड़े इंसान बाकी गल पाए मैंने आखना कि कैमरा लिया मैं कैमरा लिया केशवदास कंपनी होंगी सी लाहौर उन्होंने कोटक का कैमरा से जोड़ा मैं लैके गया सच पाशाह फोटो ला के मैंने आखना गया जो मैं एडा हूँ ना बिल्कुल तेरे वर्गा था वो मैं नंगा था तो मैं लुका लुका मैं फोटो गुआ बैठा मैं ली नहीं दो फोटो बिल्कुल हत्थों च गई साढ़े स्वामी तख्त सिंह जी बड़े साढ़े साधु हुए ने मैनू भी सगुरों ने बड़ी संगत कराई उन्होंने सतगुरु राम सिंह वेले के सर सन बड़े गतका पाज सन मंजे के हेठा कां आ जाए सोटी फट के थल्यों कां नहीं हम निकल देंगे इन्ने तिखे सन भजन बाणी बड़ा करते सन। उन्होंने उन्होंने फोटो भी तैयार करके तो कि चिर घर लगी रही वो लभदी नहीं भी सन। एक होर बड़ी वधिया फोटो सी संपूर्ण सिंह जी पुराने पुजारियों में सन जे आनंदपुर साहब रेंदे सन जेडे ये दसते सन कि जेडे नंद लाल जी सन ना वो जदों गुरु गोबिंद सिंह का शाम के वेले दरवाजा बंद हो जाना ना बूहे अगे जा के सिर ला के आखना हाए सूरी छिप गया हाए सूरी छिप गया सारी रात इस तरह लंघानी इन्होंने। फिर जो सवेरे तड़के खोलना पैर तड़के दरवाजा फिर आखना आह हा 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 सूरज चढ़ गया सूरज चढ़ गया। वो संत पूर्ण सिंह ने जेड़े सन ना वो उन्होंने फोटो भी बड़ी मुश्किल ना प्राप्त की थी वो भी सड़क गुआच गई। मेरा मतलब ये तरन सिंह उन्होंने रिकॉर्डिंग जी है सड़क पता नहीं किस तरह गलती ना रह गई है कोशिश करते हैं बड़ी बार जो रजा है वो एक संत महिंदर सिंह उन्होंने किताब लिखी है गुरु चेतन हेत मुक्त को ज्ञान ये बहुत कुछ उन्होंने अपने तजर्बे तो लिखा है। आप उत्थे पहुँच के जिस तरह जी उन्होंने कहें ना ब्रह्म देष्टि ब्रह्म स्रोत्री वो अवस्था प्राप्त करके उन्होंने लिखिया ने किताबा। मेरा सिर्फ कहने का मतलब यह किताबा जीडिया ने ना वो लोगों के हत्थों किवें पहुँचन ये अजे मेरे समझ में नहीं आई गल छप गई सारा कुछ हो गया ये तो तुम विचार करके दस दौ फिर कोशिश करिए आप इकट्ठे होकर उन्होंने लोगों के हत्थों पहुँचाइए वो पढ़ के कोई फायदा लै सके। मैं अंत में थोड़ा बहुत धन्यवाद करना समा बैठन का तो होर कई गलत भी हो जाता पर जोड़े बिताया सगुना के गुरु जस का जस होया मैं ये समा जो मैं आखिया जाता कि मैं बहुत समा दिता यह कोई खास गल नहीं मैं थोड़ा धन्यवाद करता।